हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 का। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या गिवन है कि टू साइड्स ए बी, ये ए बी इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए बी सी की, वो रिस्पेक्टिवली इक्वल है, इक्वल है किस साइड के, पी क्यू के। इट मींस ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के दिया हुआ है, और बी सी जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, क्यू आर के। बी सी किसके इक्वल दिया हुआ है, क्यू आर के। ये जो बी सी है, बी सी ये इक्वल दिया हुआ है क्यू आर के। हम गिवन लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन लिख लेते हैं क्या कि ए बी इक्वल है पी क्यू के। एक तो ये गिवन है अपने को, ए बी इक्वल टू पी क्यू, और एक बी सी इक्वल टू, बी सी इक्वल टू क्या है, क्यू आर, ये गिवन है। और कहता है कि मीडियन ए एम जो है ट्रायंगल ए बी सी की, ये मीडियन है। ए एम क्या है, यहाँ मीडियन है। मीडियन की क्या विशेषता होती है कि मीडियन जो है वो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, पहली बात। दूसरा, इन इस ट्रायंगल का दो, जो ये जो दो ट्रायंगल्स बन गई हैं इस मीडियन से, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होगा। अब एरिया की तो हम यहां बात नहीं करेंगे, लेकिन यहां पे ये जो मीडियन है ए एम, ये जो एम है, एम बी सी का क्या रहेगा, मिड पॉइंट। सिमिलरली जो मीडियन है पी एन ट्रायंगल, इसमें एन जो है वो क्या रहेगा, क्यू आर का मिड पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये क्या है, मीडियन, और मीडियन सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब देखें, हमने, हमें दिया है कि पी एम मीडियन ए एम जो है ना, इसका मीडियन ए एम, ए एम मीडियन जो है, मीडियन मीडियन ए एम इक्वल है मीडियन, मीडियन पी एम, पी एन की, ए एन ए एम जो है मीडियन वो इक्वल है मीडियन पी एन के, ये गिवन है। अब आगे देखते हैं, आगे कहता है कि शो करना है, हमें क्या शो करना है। अब ये मीडियन गिवन है, इसका मतलब हम ये भी रिजल्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख लें साथ में कि मीडियन गिवन है, इट मीन्स एम इज मिड पॉइंट ऑफ, M is midpoint of किसका है, BC का। Therefore क्या हो गया, BM equal लिख सकते हैं हम किसके, CM के, BM equal लिख सकते हैं CM के। Similarly अब जो N है, N is midpoint of किसका, QR का। N क्या है, midpoint है QR का। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं कि क्यू एन इक्वल है किसके, एन आर के, क्यू एन इक्वल है एन आर के। अब यहां पे देखेंगे तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या शो करना है, शो करना है नंबर वन पार्ट, ट्रायंगल ए बी एम जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू एन के। ए बी एम कहां है, ये है ए बी एम, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन, ये पी क्यू एन, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, ये हमें शो करना है। अब देखें, हम ट्रायंगल सॉल्यूशन देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। देखो तो यही दोनों ट्रायंगल्स ले लेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन में बात कर रहे हैं हम, ए बी एम में और पी क्यू एन में बात करें तो यहाँ पे देखो क्या क्या है अपने पास, पहले वो लिखते हैं, ए बी इक्वल है पी क्यू के, ये गिवन है क्वेश्चन में अपने को, क्या है ये गिवन। सेकंड पार्ट, सेकंड बात करें तो ए एम और पी एन क्या है, इक्वल है, ये मीडियन इक्वल दी थी अपने को, ए एम मीडियन इक्वल है किसके, पी एन के। तो यहां से है ए एम इक्वल है पी एन के, ये भी गिवन है अपने पास। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें अगला देखते हैं, अब अगर ये बी एम इक्वल आ जाए क्यू एन के तो ये प्रूव हो जाएगी कॉन्ग्रेंट। देखो यहां पे देखें तो
हमें क्या गिवन था कि ये बी एम इक्वल है किसके, सी एम के, और क्यू एन इक्वल है एन आर के। यहां से हमें ये बात भी दी हुई है कि बी सी इक्वल है क्यू आर के, बी सी इक्वल है क्यू आर के। देखो क्या गिवन अपने को, बी सी इक्वल है क्यू आर के, बी सी इक्वल है किसके, क्यू आर के। तो अगर मैं इन दोनों साइड इनका हाफ कर देता हूं, इसका क्या कर देता हूं, दोनों साइड हाफ कर देता हूं, तो इसका जो हाफ है, इस सारी का जो हाफ है वो बी एम लिख सकता हूं मैं, और इस क्यू आर का हाफ जो है मुझे क्या चाहिए, क्यू एन, तो क्यू एन लिख सकता हूं। दोनों साइड हाफ करने से इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल ही रहेगा, बैलेंस रहेगी इक्वेशन। तो बी एम इक्वल है क्यू एन के, यहां से ये बात आ गई, यहां से हम ये बात यहां लिख दें चाहे, बी एम इक्वल है क्यू एन के, बी एम यहां लिख दें, बी एम इक्वल है क्यू एन के, लिख दिया हमने बी एम इक्वल है क्यू एन के। और आप ये सारा जो सॉल्यूशन है अगर आप यहाँ करके दिखा दें तो और भी बेटर है, आप ये सारा जो सॉल्यूशन है यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें, ये साइड हो गई, ये भी साइड है, और यहाँ फाइनली बी एम बी क्यू एन के क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये तीनों कंडीशंस 1, 2 और 3, ये तीनों कंडीशंस 1, 2 और 3, इन तीनों कंडीशन से ये जितना भी बॉक्स में मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, उसको आप नीचे लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे, और फिर बोलेंगे फाइनली सॉरी देयरफॉर बाय साइड क्राइटेरियन से क्या होगा, कौन कौन सी ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रेंट प्रूव होती है ट्रायंगल PQN के ट्रायंगल PQN के क्या होती है, कॉन्ग्रेंट प्रूव होती है। अब देखें, ये फर्स्ट पार्ट था अपना, प्रूव हो गया, प्रूव लिख दें। अब दूसरा देखें, दूसरा क्या कहता है, सेकंड है, क्या शो करना है हमें, शो करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR, ABC ट्रायंगल PQR ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, ये हमने शो करना है। अब देखो, यही दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, AB इक्वल है किसके, PQ के, ये गिवन है अपने को, ये क्या है, गिवन है। अब दूसरी बात देखें, तो यहाँ पे BC इक्वल टू है QR के, भाई पूरी ट्रायंगल प्रूव कर रहे हैं ना, ABC पूरी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है पूरी ट्रायंगल PQR के, तो इसका जो BC है वो इक्वल है QR के, कहां से, देखो BC इक्वल टू QR इसने दिया है, यहां BC जो है, BC रिस्पेक्टिवली इक्वल है किसके, QR के, BC रिस्पेक्टिवली इक्वल है किसके, QR के। तो हम यहां से लिख देंगे BC इक्वल टू QR, ये भी क्या है अपने को, गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक चीज और रहती है अपने पास, एक और रहती है जिसमें हमें, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट। देखो अब यहां पे देखो तो इसका जो एंगल B है, इसका एंगल B इसके क्यू एंगल के इक्वल है, कैसे, कहां से आई ये बात कि एंगल B इक्वल है एंगल Q के। देखो ना, हम प्रूव कर चुके कि ये जो छोटी ट्रायंगल इस साइड वाली है और इस साइड वाली जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूव कर चुके। तो बाई सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल बी और क्यू जो हैं वो सेम एंगल, ये इस ट्रायंगल में भी है और ट्रायंगल ABC में भी है। तो यहाँ फाइनली हम बोलेंगे, क्योंकि हम क्या प्रूव कर चुके, क्योंकि अप्रूव कर चुके, तो हम यहां लिख देंगे क्योंकि ऐसा है, ट्रायंगल ABM जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल PQN के, PQN के कॉन्ग्रेंट है। तो देयरफॉर बाय सीपीसीटी से ये दोनों बात आप लिख सकते हैं यहां पे, बी एंगल इक्वल है एंगल क्यू के। तो फाइनली हमें जो प्रूव करना था वो बोलेंगे देयरफॉर बाय, अभी देखो कैसे प्रूव होगा, ABC ट्रायंगल की बात कर रहे थे और PQR की,
तो ये साइड हो गई, बीच में ये एंगल आ गया और एक ये साइड हो गई, तो साइड एंगल साइड से, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से, क्राइटेरियन से ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यही अपने को प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, प्रूव होता है, लिख देंगे हैंस प्रूव। स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप कमेंट करके बताएं।